Bismillahir Rahmanir Rahim salamu Alaikum and welcome back to another lesson of uh, English subject for grade 2. Uh, students, as you remember, that yesterday we finished the story D uh, Trap and today we are moving towards its exercise. Uh, for that, you have to open your books at page number 14. Page number 14. And take out your neat notebooks with a pencil, razor, and scale. Pencil, razor, and scale. Now let's begin our work without any further delay. This is page 14 of your uh, textbook.

Uh, का पता हो या आपको याद हो कि स्टोरी में क्या हुआ है तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे तो इसका ये मतलब होगा कि आपकी कम्प्रीहशन हो चुकी है कम्प्रीहेंशन मींस अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग आपकी इस स्टोरी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है आप इस स्टोरी को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं अगर वाकई अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आते होंगे सो so, ओपन योर नोट बुक्स एंड लेट्स बिगिन अवर वर्क दिस इज हाउ यू वार्ट योर वर्क सबसे पहले आपने जो अपर मोस्ट लाइन है जो कि इस वक्त आपको सी ग्रीन कलर में नज़र आ रही है तो इस अपर मोस्ट लाइन पर आपने एच डब्ल्यू लिखना है क्योंकि ये आपका होमवर्क होगा यहाँ इंग्लिश और इस साइड को आपने डेट लिखनी है बट डेट uh, आपने वो लिखनी है जिस दिन आपको ये वीडियो रिसीव होगी वो वाली डेट लिखनी है यूनिट नंबर टू आपको पता है आज से हम यूनिट नंबर टू की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं uh, तो यूनिट नंबर टू लिखना है और उसके साथ यूनिट का नेम लिखना है चैप्टर का नेम लिखना है दी ट्रैप दी ट्रैप यूनिट नंबर टू में एक स्टोरी है और एक पोइम है तो जो पहला जो स्टोरी वाला चैप्टर है उसका नाम है दी ट्रैप दी ट्रैप अच्छा पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द रोड अनहैपी वाई वॉज द रोड अनहैपी Why was the road not happy? या yeah, हम कह सकते हैं कि Why was the road sad? Why was the road sad? or Why was the road upset with the people? मतलब road को क्या गिले थे लोगों से? Road क्यों हुदा? She Why was the road not happy? Why was the road not happy? अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में आपको वॉज नजर आ रहा है तो आंसर में वॉज लिखना है वाई वॉज द रोड अनहैप्पी द रोड वॉज अनहैप्पी बिकॉज अच्छा बिकॉज आंसर का क्या आंसर क्या है इसका आंसर क्या है इसका मतलब वाई वॉज द रोड अनहैप्पी वेरी गुड पीपल थ्रू रब ऑन इट पीपल थ्रू रब ऑन इट The road was unhappy because people threw rubbish on it. People threw rubbish on it. अच्छा अगर आपको याद हो मैंने आपको फर्स्ट uh, चैप्टर में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे ईट और उसकी सेकंड फॉर्म एट बताया था गो अवेंट और इस तरह का जितने भी वर्ड्स थे उसके उसको हमने डिस्कस किया था तो यहाँ एक वर्ड ऐसा ही आया है थ्रो आपने पढ़ा हुआ है थ्रो का मतलब है फेंकना थ्रो का क्या मतलब है फेंकना लेकिन यहाँ थ्रो की जगह मैंने थ्रू लिखा है ठीक है थ्रो का मतलब है फेंकना थ्रू का मतलब फेंकते थे मतलब पास्ट टेंस की पुरानी बात है ठीक है द रोड वॉज अनहैप्पी रोड अनहैप्पी थी बिकॉज पीपल थ्रू रबिश ऑन इट अच्छा अगर ये होता द रोड इज अनहैप्पी मतलब रोड उदास है मतलब अगर हम अभी की बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या आंसर लिखते द रोड इज़ अनहैप्पी बिकॉज पीपल थ्रो रबिश ऑन इट फिर हम थ्रो लिखते लेकिन अभी ये पुरानी बात है मतलब ये कहानी में हो चुका है ये काम तो इसलिए हम लिखेंगे थ्रू और हमेशा याद रखें और तकरीबन हम हर क्वेश्चन में इस बात को डिस्कस करेंगे के form, कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है अक्सर बच्चों को सिर्फ थ्रो का वर्ड पता होता है और वो अगर पुरानी बात कर रहे हो तब भी वर्ड थ्रो यूज़ करते हैं और अभी की बात कर रहे हो तब भी थ्रो का वर्ड यूज़ करते हैं तो थ्रो जो है वो सिर्फ अभी की सिचुएशन में यूज़ होगा ठीक है पुरानी बात के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं थ्रू थ्रू द रोड वॉज अनहैप्पी बिकॉज पीपल थ्रू Rubbish on it. The road was unhappy because people threw rubbish on it. The next question is How did people hurt the tree? How did people hurt the tree? अच्छा यहाँ पे आपको क्वेश्चन में डिड नजर आ रहा है डिड की वजह से हम फॉर्म ऑफ वर्क चेंज करते हैं फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकेंड फॉर्म लगाते हैं ठीक है फर्स्ट फॉर्म की जगह कौन सी फॉर्म लगाते हैं सेकेंड फॉर्म और ये बात मैं आपको फाइजाज बिस्किट्स में के जो क्वेश्चन आंसर्स थे उसमें मैंने आपको बार बार बताया था जब क्वेश्चन में डिड होगा तो फिर हम आंसर में फॉर्म ऑफ वर्क चेंज करेंगे अच्छा मज़े की बात यह कि हर्ट का जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क है वो भी हर्ट है तो आपको मतलब सेम यही स्पेलिंग लिखने पड़ेंगे कुछ हेल्प कुछ वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है जिस तरह हर्ट हर्ट की सेकेंड फॉर्म भी हर्ट है और थर्ड फॉर्म भी हर्ट है तो यहाँ पर आपके लिए आसानी क्या होगी कि हाउ डिड पीपल हर्ट द ट्री तो आंसर में आपने लिखना है पीपल हर्ट द ट्री अच्छा आंसर क्या है आंसर क्या है दो रीजन्स बताई थी आ, ट्री ने नंबर वन पीपल टेक माई फ्रूट और एक दूसरी उसने बात बताई थी कि पीपल कट माई ब्रांचेस तो यहाँ पर हर्टिंग ट्री से रिलेटेड कौन सी चीज़ें कटिंग द ब्रांचेस कटिंग द ब्रांचेस मतलब लोग मेरी शाखों को काट के ले जाते हैं ठीक है सो हाउ डिड पीपल हर्ट द ट्री लोग ट्रीज़ को कैसे uh, दर्द पहुंचाते हैं तो Answer: hai, People hurt the tree by cutting its branches. Cutting its branches. People hurt the tree by cutting its branches. People hurt the tree by cutting its branches. People hurt the tree. By By cutting its branches. So how did people hurt the tree? People hurt the tree by cutting its branches. Uh, after completing this question, you have to draw a finishing line, just as I have done. जिस तरह मैंने यहाँ पर एक finishing line draw की है, इसी तरह आप लोगों ने भी draw करनी है. Writing का भी खास खयाल रखना है. और अल्फ़ाबेट्स का भी खास ख्याल रखना है कि कितनी लाइंस में कौन कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आप अगर लाइन पैटर्न ही फॉलो कर ले आप स्क्रिप्ट को ही फॉलो कर ले कि जितनी लाइंस में जो अल्फ़ाबेट आता है तो आपकी राइटिंग बहुत ख़ूबसूरत लगेगी ठीक है और फिनिशिंग लाइन लगाएं मार्जिन लाइंस लगाएं मार्जिन लाइन के ऊपर मत लिखें उससे दूसरी साइड को मत जाए तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद खूबसूरत लगेगी चले आप दूसरे सवाल की तरफ बल्कि तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं जो कि है Who let the tiger out of the trap? Who let the tiger out of the trap? Who set the tiger free from the trap? किसने टाइगर को आज़ाद किया था ट्रैप से बहुत ईजी क्वेश्चन है आपने सिर्फ हु का आंसर देना है बाकी क्वेश्चन ही आपका आंसर है कोई डज़ वर हैव हैज नहीं है तो जस्ट आपने हु का आंसर देकर बाकी क्वेश्चन आपका आंसर है हु का आंसर क्या है वेरी गुड अ बॉय आंसर क्या है अ बॉय बाकी पूरा क्वेश्चन आपका आंसर है अ बॉय लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप अ बॉय लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप अ बॉय लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप इसमें कोई डिड नहीं यूज हुआ तो हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे क्वेश्चन में वॉल्स वर्ड भी नहीं है हैव हैज हैड कुछ भी यूज नहीं हुआ तो हमारा सिंपल क्वेश्चन है और आंसर भी सिंपल होगा अ बॉय लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप अ बॉय लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप अ बॉय लेट द टाइगर

The jackal put the tiger back in the trap. The jackal put the tiger back in the trap. A jackal put the tiger back in the trap. A jackal put the tiger back in the trap. A jackal put the tiger back in the trap.

ही कुड वर्क ऑल डे पूरा पूरा दिन काम कर सकता था जो वीक लोग होते हैं उनसे आप एक घंटा भी काम करवा लो वो फौरन थक जाते हैं लेकिन बुल्लॉक्स आर वेरी स्ट्रोंग बिकॉज देयर फॉर दे कैन वर्क ऑल डे बुल्लॉक्स आर वेरी स्ट्रांग देयर फॉर दे कैन वर्क ऑल डेस द बुलॉक वॉज वेरी स्ट्रोंग बिकॉज ही कूड वर्क ऑल डे यस द बुल लॉक वॉज वेरी स्ट्रांग बिकॉज ही कुड वर्क ऑल डे अब आपको नज़र आ रहा है कि वर्क ऑल डे मैंने यहाँ पर वीडियो में कैप्चर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर पे पेज खत्म हो रहा है तो जब भी आपका भी लिखते हुए पेज एंड हो जाए तो आप न्यू पेज की तरफ जाएंगे ज़बरदस्ती इसके नीचे जो छोटा सा पे स्पेस बचता है यहाँ पर नहीं लिखना अक्सर बच्चे यहाँ लिख लेते कि वैसे भी टीचर एक दो वर्ड्स हैं बस यहीं लिख लें नहीं ऐसा नहीं करना ठीक है आप जब भी लिखोगे इन्हीं फोर लाइंस में लिखोगे ये फोर लाइंस आपके पास नहीं बची तो आप न्यू पेज के फोर लाइंस में लिखो लेकिन कभी ये जो इन बिटवीन स्पेसेस है यहाँ पर नहीं लिखने ये लिखने के लिए होते ही नहीं है सो यस द बुल वाज वेरी स्ट्रांग बिकॉज ही कुड वर्क all day yes the bullock was very strong because he could work all day yes the bullock was very strong because he could work all day इसका मतलब ये है कि वो पूरा पूरा दिन काम कर सकता था सो दिस वाज द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज आई uh, होप आप सबको इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आई होगी क्योंकि तमाम क्वेश्चंस इंतहाई इजी थे फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो किसी किस्म की भी कंफ्यूजन हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको हम आंसर करेंगे इन ज़रूर और बहुत जल्द करेंगे uh, तो आप सब ने ये काम करना है, आपका जो होमवर्क है वो यही रिटर्न वर्क है आप वीडियो देखेंगे और वीडियो से देख कर questions के आंसर्स लिखेंगे यही आज का आपका होमवर्क है और फिर उसको अपने व्हाट्स पे सेंड कर देना है हमें ठीक है सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे थैंक्स फॉर योर टाइम हैव नाइस डे अल्लाह علما